अब हम अपनी बाइक को निकाल करके घर की तरफ जा रहे हैं। हमारी यात्रा दशाश्वमेध घाट वाली पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं दशाश्वमेध घाट से गजौलिया होते हुए घर की ओर। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं दशाश्वमेध घाट से गोदौलिया तक का पूरा दृश्य। ये आसपास के दुकानें हैं। ये सामने जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये शीतला घाट जाने के लिए रास्ता है। हम अपनी बाइक को मोड़ चुके हैं, चल रहे हैं गोदौलिया तक। ये अभी आपको सड़क के किनारे सब्जी की दुकानें दिखाई पड़ेगी। सुबह सुबह का समय है, तब लगभग 9:30 बजने वाले हैं, तो सब्जी की दुकानें आसपास लगाई गई हैं। भीड़ ज़्यादा है गाड़ियों की। आस पास जो सब्जी की दुकानें देख सकते हैं, ये अतिक्रमण का दृश्य है। रोड पर ये है अतिक्रमण का दृश्य है। तो सब्जी की दुकान है, ये चित्रंजन पार्क के सामने, चित्रंजन दास पार्क जो है। वीडियो बने रहिए, आपको दिखाते हैं बाइक राइड से दशाश्वमेध घाट से होते हुए गोदौलिया तक का पूरा दृश्य। ये रास्ता आपका चला जाएगा दशाश्वमेध घाट गंगा आरती देखने के लिए, जा सकते हैं इस रास्ते से। ये रास्ता सीधे चला जाएगा आपका गोदौलिया तक। अभी हम चल रहे हैं गोदौलिया। धूप होने के बाद भी श्रद्धालुगढ़ इस रास्ते पर आपको भीड़ के माध्यम से दिखाई पड़ गए। भीड़ है, ये है वाराणसी, आस्था का शहर बनारस। सामने है काशी विश्वनाथ द्वार, गेट नंबर 1 है। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी स्लो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाते चलेंगे स्लो गाड़ी के हिसाब से भी वीडियो। सवरता बनारस, निखरता बनारस। लक्ष्मी साड़ी घर, भीड़ की वजह से गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, कोई बात नहीं। अलग अलग प्रांतों के लोग दिख रहे हैं, अलग अलग वेशभूषा दिख रही है, विदेशी पर्यटन भी दिख रहे हैं रास्ते में। लोकल लोग भी हैं, बनारस के बाहर के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग भी हैं यहाँ पर, भारत के लोग और भारत के बाहर के लोग भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। आपको
सब समय चौराहे पर एक बड़ा सा स्तंभ दिखाई पड़ेगा। स्तंभ के ऊपर नंदी महाराज जी को बैठाया गया है, अब ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा। सामने आपको अच्छी क्वालिटी की कार देख सकते हैं, BMW X7। दो पहिया वाहन पार्क है, जब यहाँ आते हैं तो अपने दो पहिया वाहन को यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। 3 घंटे के लिए 20 रुपया, 3 घंटे से ज़्यादा यदि आप पार्किंग में अपने गाड़ी को रखते हैं तो पर घंटा 10 रुपया का चार्ज बढ़ जाता है। ये देख सकते हैं, ये स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर जो है नंदी महाराज जी को स्थापित किया गया है। यहाँ देखते हैं रास्ता राइट साइड में बहुत विश्वनाथ जता सुमे घाट हमारे पीछे जहाँ से हमारे काल भर है, और राइट साइड बजागिन राइट साइड आप जा सकते हैं यहाँ से। भीड़ बहुत है, इसी भीड़ में हम लोग को भी निकलना है। काइंडली दोस्तों चौराहे पर आ गए हैं, ये है चौराहा। ये चौराहे का पूरा दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये है अच्छी घाट जाने के लिए रास्ता। अब ये सामने हम लोग निकल रहे हैं रथ यात्रा की साइड में। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो बड़ा हो रहा है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।